हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। हम लोगों का जो मंथली करंट अफेयर है उसमें हम फेब मंथ के करंट अफेयर्स कर रहे हैं और ये पार्ट टू है। इससे पहले हम जैन के मंथ के करंट अफेयर कर चुके हैं दो पार्ट्स में और एक पार्ट फेब के मेन करंट अफेयर कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। अगर आप यूपीएससी और किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे कराने का एक सिंपल सा पैटर्न है जिसमें हम जो करंट अफेयर है उसको स्टैटिक के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के स्टैटिक पूछता है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो हमारा पैटर्न सेम रहेगा जो हम पहले करते आए हैं। आपको करना वही है सेम, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जितने शॉर्ट्स और क्रिस्पी नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे उतना ही आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगा, और रिवीजन मस्ट होता है। अगर आप इस टाइप का यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो रिवीजन जो है वो आपके लिए मस्ट है। ठीक है, अगर इस वीडियो की स्पीड आपको तेज लग रही है तो आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरे पढ़ाने का एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रहेगा, मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फेब का सेकंड पार्ट। जो पहली न्यूज है हमारी वो है वेटलैंड एक्सीटू कंजर्वेशन एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड। तो ये वेटलैंड एक्सीटू कंजर्वेशन एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पे हो रहा है, ये प्रपोज किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। कहाँ पे प्रपोज किया है, केलियोदेव नेशनल पार्क, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और जिसको हम भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं। तो अब हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है इस करंट अफेयर की न्यूज में, एक तो इंपॉर्टेंट है एक्सीटू कंजर्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए एक होता है इनसीटू कंजर्वेशन और एक होता है एक्सीटू कंजर्वेशन। इसके बीच में क्या डिफरेंस है, इनसीटू कंजर्वेशन है मतलब जो चीज़ जहाँ पे मिल रही है उसको वहीं पे प्रिजर्व कर लेना, जो चीज़ ओरिजिनली जहाँ पे होती है वहीं पे उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे, ठीक है, इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व वो जगह है जहाँ पे हम इनसीटू प्रिजर्वेशन करते हैं, जो चीज़ जहाँ पे है, जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है या जहाँ पे पैदा हुई है वहीं पे उसको रिजर्व कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं। एक्सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, जैसे हम अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं, ठीक है, वो जो है एक्सीटू कंजर्वेशन है, मतलब कोई चीज़ कहीं और प्रोड्यूस हुई है उसको दूसरी जगह पे ले जाके कंजर्व करना होता है, एक्सीटू कंजर्वेशन। अब बात करते हैं केलियोदेव नेशनल पार्क की। आपको ध्यान रखना है सेकंड इन्फॉर्मेशन कि ये कहाँ पे है, राजस्थान में है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। टोटल इंडिया में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है उस पर भी आते हैं हम। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि भरतपुर वर्ल्ड बर्ड सेंचुरी जो है वो केलियोदेव नेशनल पार्क का ही एक नाम है। तो ये दोनों चीज़ें जो है राजस्थान में है। राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का। अगर एरिया वाइज पूछा जाए कि कौन सा सबसे लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, वो है राजस्थान। ठीक है, अब 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में। जैसे कि हम ये टर्म इंट्रोड्यूस हैं यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है, यूनेस्को नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ये कुछ पर्टिकुलर प्लेसेज को डिपेंड अपॉन देयर कल्चर, उनका कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है या नेचुरल इंपॉर्टेंस क्या है या कोई उनका मिक्स्ड सिग्निफिकेंस है, मिक्स्ड मतलब कल्चरल भी है और नेचुरल भी है, उसके बेस पे कुछ प्लेसेज को वर्ल्ड में ये डेजिग्नेट करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो टैग है वो यूनेस्को देता है। इंडिया में टोटल 42 है, ठीक है, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। अब जो ये टोटल 42 है इंडिया में, इसमें से कुछ कल्चरल है 34, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में 7, और जो मिक्स्ड है वो है एक मिक्स्ड है। तो कल्चरल और नेचुरल को छोड़ के, क्योंकि वो नंबर में ज़्यादा है तो हम मिक्स पे फोकस करते हैं, मिक्स एक है, तो एक आपको पता होना चाहिए कौन सी है, वो है आपकी कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये सिक्किम में है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिलेटेड टू इंडियन आर्म फोर्स आर लुकिंग टू प्रोड्यूस 18 आर्म प्रीडेटर MQ-9A ड्रोन्स। तो ये MQ-9A ड्रोन्स जो इंडियन आर्म फोर्स यूज करेगा या प्रिक्योर करेगा, खरीदेगा, बाई करेगा, वो किस कंट्री से बाई कर रहा है, वो USA से बाई कर रहा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही हो सकता है। ठीक है, और USA का आपको एक F-16 भी याद रखना है, F-16 हेलीकॉप्टर है USA का, जो इंडिया तो यूज़ नहीं करता लेकिन उसको पाकिस्तान यूज करता है, तो पाकिस्तान जो है F-16 फाइटर जेट यूज करता है, वो USA के है। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी US स्टेट डिपार्टमेंट से रिलेटेड। इनका एक आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है हिमार्स जो है ये पूछा जा सकता है कि ये किस कंट्री का है, तो ये USA का है। क्या है ये, मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। सिंपल, आप ध्यान रखना कि एक टाइप का रॉकेट सिस्टम है और ये पोलैंड को दे रहे हैं इसको। ठीक है, अब इंडिया को दे रहे होते तो एक दूसरे ये अलग ही लेवल पे इसकी इंपॉर्टेंस होती। ठीक है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे अगर पूछा गया तो पेपर में। M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम वाज सम टाइम इन न्यूज रिलेटेड टू विच कंट्री, इट इज रिलेटेड टू USA। अब पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो। अब आपको यहाँ पे वॉर्सो पैक्ट पढ़ना है, वॉर्सो पैक्ट में पढ़ाने लगूंगा तो आधा घंटा उसी में चला जाएगा, लेकिन वॉर्सो पैक्ट इंपॉर्टेंट है तो आपको वॉर्सो पैक्ट पढ़ना है। वॉर्सो पैक्ट से रिलेटेड एक है नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नेटो और वॉर्सो पैक्ट क्या है, ये आपको दोनों पढ़ने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जो है ये US का है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिलेटेड टू
मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज से रिलेटेड, ठीक है। तो मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज की फिफ्थ इंटरनेशनल कांग्रेस हुई है कनाडा के अंदर, ठीक है। और कनाडा की कैपिटल आपको ध्यान रखनी है, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, और कनाडा में एक सिटी है मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल में एक हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा था, एक मॉन्ट्रियल में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का, और मॉन्ट्रियल में हेडक्वार्टर है वाडा का, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये दोनों मॉन्ट्रियल में है कनाडा के, ठीक है। और मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी कन्वेंशन प्रोटोकॉल भी पढ़ा था हमने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन लेयर से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये सारी न्यूज आपको ध्यान रखनी है। तो फिफ्थ इंटरनेशनल मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस का कनाडा में हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं इसको बोलूँ इंपॉर्टेंट के व्यू में, तो 2 या 3 है आउट ऑफ 5, पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलग अलग बनाए जाते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंडिया में अलग अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन बनाता है, वो बनाता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP, ठीक है। तो अब ऐसे ही, तो ये एक चीज़ तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट हो गई कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये DIPP ये किसके अंडर में, तो हमारे यहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और उसके अंदर में एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक है। तो एक तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाता है। दूसरा, एक आपने वर्ड सुना होगा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, या FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो इन सबको रेगुलेट करने का काम भी ये DIPP करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट है, जो एपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट की, ठीक है, जो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे काम करती है, वो आती है हमारी DIPP के अंडर में। तो ये सीक्वेंस ऐसी होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, DIPP उसके अंडर में है, और इसके नीचे है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट, ये इसके अंडर में है, और ये बनाते हैं हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंडिया में जितने भी बनते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, जैसे चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं हमारे, ठीक है। तो मेन आपको ये ध्यान रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं, और इनके अंडर कौन कौन सी बॉडी है, वो बॉडी इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी रिलेटेड है चिली में। चिली में कुछ एक इवेंट हैपन हुआ है, 23 पीपल वर किल्ड इन ए डिवेस्टेटिंग फॉरेस्ट फायर। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि 23 लोग फॉरेस्ट फायर में कहाँ मारे गए, आपसे ये पूछा जाए, लेकिन चिली न्यूज में है तो हम दो चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे। एक तो हम लिथियम ट्रायंगल पढ़ेंगे, लिथियम ट्रायंगल। जैसे जैसे ई व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड बढ़ रही है। तो लिथियम आयन बनाने के लिए, लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए हमें चाहिए लिथियम, और लिथियम के सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है वो लिथियम ट्रायंगल में मिलते हैं। लिथियम ट्रायंगल 3 प्लेस से मिलकर बनती है, बोलिविया, देन चिले एंड अर्जेंटीना, ठीक है। ये 3 कंट्री हैं, बोलिविया, चिले और अर्जेंटीना, इनको ABC के नाम से भी बोलते हैं। तो ये ABC ट्रायंगल है जहाँ पे लिथियम के सबसे ज़्यादा रिजर्व मिलते हैं, और ये तीनों की तीनों कंट्री जो हैं वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे ब्राज़ील भी है, अर्जेंटीना भी है, तो वहाँ पे ये सारी कंट्री है। तो आपको ABC ध्यान रखनी है, लिथियम ट्रायंगल ध्यान रखना है, क्योंकि EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम आयन बैटरी चाहिए, लिथियम आयन बैटरी के लिए लिथियम चाहिए, लिथियम के सबसे ज़्यादा रिजर्व मिलते हैं ABC में, अर्जेंटीना, बोलविया और चिले में, ये तीनों साउथ अमेरिकन कंट्री थे। दूसरा आपको ध्यान रखना है आटाकामा डेजर्ट। आपसे पूछ सकते हैं कहाँ पे है, तो आटाकामा डेजर्ट जो है वो चिले में है। क्यों फेमस है ये, वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है PCS में, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पे बहुत सारे नाइट्रेट के रिजर्व मिलते हैं, नाइट्रेट रिजर्व, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है, सबसे ज्यादा नाइट्रेट रिजर्व कहां मिलते हैं, तो आटाकामा डेजर्ट में मिलते हैं। आटाकामा डेजर्ट कहां पे है, चिले में, और चिले की कैपिटल है सैंटियागो। ये कैपिटल जनरली जो PCS एग्जाम्स होते हैं वो मैचिंग में पूछ लेते हैं कई बार कि कौन सी कंट्री है और उसकी कैपिटल, जो प्लेस न्यूज में होते हैं तो उनके कैपिटल मोस्टली हमें पता होनी चाहिए। इससे पहले हमने पोलैंड की कैपिटल की थी वॉर्सो, ठीक है। तो ये था चिले न्यूज में था, तो उससे रिलेटेड हमने इन्फो देखी है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज में जीरो ड्राफ्ट, ये जीरो ड्राफ्ट ऑफ द पेंडेमिक ट्रीटी। पेंडेमिक मतलब जैसे कोरोना हो गया था, कोविड आ गया था, तो वो पेंडेमिक है जो बहुत जगह पे फैल जाते हैं कोई ऐसी डिजीज, ठीक है। तो जीरो ड्राफ्ट ऑफ द पेंडेमिक ट्रीटी लॉन्च की है, तो पूछा जा सकता है कि ये जीरो ड्राफ्ट पेंडेमिक ट्रीटी किसकी है, तो ये WHO की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जीरो ड्राफ्ट पेंडेमिक ट्रीटी जो है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था 7th of April 1948 को, इसीलिए हम हर साल 7th of April को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन इसका जो हेडक्वार्टर है WHO का, वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो W से स्टार्ट होती है और O पे खत्म होती है, उनका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मोस्ट सबका नहीं है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो W से स्टार्ट होती है और O पे खत्म होती है, उनका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है,
यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कंट्री है ये, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और उसकी जो नई पॉलिसी आई है जीरो ड्राफ्ट पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में, वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे है पेरिस क्लब। ये पेरिस क्लब क्या है, हम लोगों ने जनवरी की जीके में पढ़ा था, IMF नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कंपनी जो कंट्री जो अलग अलग कंट्री जो है अगर वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है किसी भी तरह के तो उनको लोन देती है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ 22 मेंबर्स हैं जो OECD का पार्ट है। OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये कुछ रिच कंट्रीज का एक ग्रुप है, 22 कंट्रीज का। आपको ध्यान रखना है इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इस ग्रुप का मेंबर नहीं है OECD का। OECD का हेडक्वार्टर भी पेरिस के अंदर है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये 22 कंट्रीज हैं, इनमें से OECD में की कुछ 22 कंट्री हैं वो भी इसी तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसी हुई कंट्रीज को लोन देती हैं, तो उनका एक पेरिस क्लब है। पेरिस क्लब हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड फॉर श्रीलंकाज डेट, ठीक है। तो IMF को इनडायरेक्टली इन्होंने अप्रोच किया पेरिस क्लब ने कि हम आपके थ्रू श्रीलंका जो कि एक साउथ एशियन कंट्री है वो क्राइसिस में है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं और कुछ फाइनेंस के थ्रू, तो इन्होंने तो इसलिए पेरिस क्लब न्यूज में था, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है किस कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस चला हुआ है, तो वो श्रीलंका है। कुछ टाइम पहले श्रीलंका में फूड क्राइसिस आया था, ठीक है। श्रीलंका में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है पेरिस क्लब किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो पेरिस क्लब OECD से रिलेटेड है। OECD की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, OECD का इंडिया मेंबर नहीं है ये ध्यान रखना है। OECD का हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। अब जब आप पेरिस क्लब पढ़ रहे हो तो एक ऐसा ही क्लब है कॉफी क्लब, ठीक है। ऐसा ही का मतलब क्लब के नाम से मैं बता रहा हूँ, कॉफी क्लब आपको पढ़ना है, ठीक है। कॉफी क्लब क्या है, G4 क्या है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप पढ़ो, कॉफी क्लब का और G4 का इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया से रिलेटेड है ये कुछ कंसेप्ट, इंडिया जो परमानेंट सीट चाह रहा है UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उससे रिलेटेड ये दो ग्रुप है G4 और कॉफी क्लब, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मनोज गोविल कमेटी की, ये मनोज गोविल कमेटी किससे से रिलेटेड है, तो टू एग्जामिन द नीड फॉर ए सेपरेट कॉम्पिटेटिव लॉ फॉर डिजिटल कंपनी, जो जितनी भी डिजिटल कंपनीज हैं, ठीक है, उनके लिए एक सेपरेट कॉम्पिटेटिव लॉ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके लिए कमेटी बनाई गई है मनोज गोविल कमेटी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हो CCI, ठीक है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 में बना था, ठीक है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जनरली इसी चीज़ पर ध्यान रखता है कि जितना भी कॉम्पिटिशन है अलग अलग कंपनीज के बीच में वो एक फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए, ठीक है। कोई कंपनी अगर अनफेयर एडवांटेज ले रही है तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर फाइन लगा सकता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताना चाहिए, 2002 में बना था, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, स्टैट्यूटरी, ठीक है, एक लॉ से बनाई गई बॉडी है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट आया था तो उसे ये बनाई गई थी, ठीक है। यहीं पे आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि CCI ने एक दूसरे बॉडी को रिप्लेस किया था, इससे पहले एक बॉडी होती थी जिसको इसने CCI ने रिप्लेस किया था, तो उस बॉडी का नाम आपको फाइंड करना है कि कौन सी बॉडी थी जो पहले इंडिया में काम करती थी, ठीक है, उसको बाद में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिप्लेस किया था 2002 में, तो उस बॉडी का आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन होता था पहले, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस किया था, ठीक है। तो ऐसे ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एक बॉडी ने रिप्लेस किया था, उस बॉडी का नाम फाइंड आउट करो आप क्या था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी रिलेटेड है ऑपरेशन आग से। ऑपरेशन आग केरला पुलिस ने किया है, किस लिए किया है, फॉर एक्यूज वेरियस क्रिमिनल केसेस जो में जो एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट से रिलेटेड, बेसिकली जो एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहे थे उन लोगों को क्रब डाउन करने के लिए ऑपरेशन आग चलाया था केरला पुलिस ने, ठीक है। इन जनरल किसी भी PCS में या UPSC में जो स्टेट स्कीम होती हैं, स्टेट की अगर कोई किसी स्टेट ने कोई स्कीम चला रखी है तो वो जनरली पूछी नहीं जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान रख पाओ, ऑपरेशन आग जो है वो केरला पुलिस का था। अब केरला से रिलेटेड कुछ फैक्ट आप ध्यान रख सकते हो, केरला में इंडिया में हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला के अंदर है, ठीक है। दूसरा, केरला रबड़ प्रोडक्शन के लिए फेमस है, नंबर 1 है इंडिया में रबड़ प्रोडक्शन के लिए, रबड़ का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। स्पाइसेस के बारे में आप ध्यान रखते हो कि बहुत सारे स्पाइसेस जो हैं केरला में होते हैं, केरला को स्पाइसेस कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता है केरला, ठीक है। एक आप ध्यान रख सकते हो GIAHS, ठीक है, ये GIAHS क्या होते हैं, ठीक है, ये है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट, ठीक है। ये हेरिटेज साइट इंडिया में 3 हैं, तो ये फाइंड आउट आपको करना है कि कौन सी वो 3 साइट है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ है, एक हमारी केरला में है, ठीक है, एक उड़ीसा में है और एक जम्मू एंड कश्मीर में है। तो 3 जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट हैं इंडिया के अंदर 3, तो वो 3 एक केरला में है, एक उड़ीसा में है, एक जम्मू कश्मीर में है। उनके इन तीनों के नाम फाइंड आउट करो कि कौन कौन सी हैं। और ये जो टैग है GIAHS का ये देता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ ना, वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन जो हम करंट अफेयर कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं।
नेक्स्ट न्यूज है एवरग्लेड्स। तो पूछा जा सकता है कि एवरग्लेड्स वाज इन न्यूज, ये क्या है एवरग्लेड्स? तो एक वेटलैंड इकोसिस्टम है इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ द फ्लोरिडा। ठीक है, तो कहाँ है इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना पूछ सकते हैं कि एवरग्लेड्स क्या है। एवरग्लेड एक वेटलैंड इकोसिस्टम है। अब वेटलैंड की बात आई है तो वेटलैंड क्या होती है उसकी डेफिनेशन आपको खुद देखनी है। वेटलैंड की डेफिनेशन चेक करो क्या होती है, और वेटलैंड से रिलेटेड एक कन्वेंशन है जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। तो रामसर कन्वेंशन बोल लो या एग्रीमेंट बोल लो, ये रामसर जो है एक सिटी है ईरान में, ईरान की एक सिटी है रामसर, वहां पे एक कन्वेंशन हुई थी 1971 में। जहां पे मैं ईयर बता रहा हूँ तो समझो कि वो ईयर इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। ठीक है, अदरवाइज मैं जनरली डेट्स और ईयर्स मेंशन नहीं करता हूँ, मेंशन कर रहा हूँ तो मतलब इंपॉर्टेंट है। तो रामसर कन्वेंशन का इंडिया एक पार्टी है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, दूसरा ये रामसर कन्वेंशन क्या करता है, वेटलैंड साइट्स बताता है, वेटलैंड साइट कि अलग अलग कंट्रीज में कौन कौन सी वेटलैंड साइट है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताता है यूनेस्को। ठीक है, तो ऐसे ही वेटलैंड साइट्स के बारे में बताता है रामसर कन्वेंशन। ठीक है, और इंडिया इसका एक पार्टी है या मेंबर है रामसर कन्वेंशन का, हमने अडॉप्ट किया हुआ है रामसर कन्वेंशन को। ठीक है, वेटलैंड साइट्स टोटल इंडिया में जो है वो 75 है, जैसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में 42 है, तो ऐसे ही रामसर कन्वेंशन की साइट 75 है टिल डेट तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रामसर कन्वेंशन ध्यान रखना है, वेटलैंड की डेफिनेशन आपको खुद देखनी है, एवरग्लेड हमने पढ़ा है, एवरग्लेड्स जो है वो यूएस की फ्लोरिडा स्टेट में एक वेटलैंड इकोसिस्टम का नाम है। ठीक है, तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में हुए थे, महाराष्ट्र टॉप रैंकर है, फर्स्ट है, और इंडिया ने क्लेम सॉरी हरियाणा के लिए क्लेम किया है फर्स्ट रनर अप। ठीक है, तो ये HCS के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप स्पेसिफिकली HCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, अदरवाइज आपको ये बाकी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि खेलो इंडिया यूथ गेम हुए, 5th वर्जन था, मध्य प्रदेश में हुआ है और महाराष्ट्र ने टॉप किया है, इतना अगर आप ध्यान रखोगे तो वो सफिशियंट है। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है हमारी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड है। ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है पहले एक बार ये देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते ही मतलब ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से अपनी पावर ड्रॉ कर दिया है, किसी एक्ट के थ्रू ये बनाई गई है। तो किस एक्ट के थ्रू बनाई गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के थ्रू बनाई गई है, इसी एक्ट के थ्रू हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था। तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो RBI एक्ट 1934 से अपनी पावर ड्रॉ करती है। ठीक है, अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन को रेगुलेट करती है, महंगाई को रेगुलेट करने का काम करती है, महंगाई का को रेगुलेट करना इंडियन गवर्नमेंट का काम है कि महंगाई ना बढ़े। तो उसके लिए वो एक टारगेट दिया हुआ है उन्होंने 4%± 2% की, महंगाई जो है वो इसी दायरे में होनी चाहिए, मतलब 2% से 6% के दायरे में महंगाई बढ़नी चाहिए, उससे ज़्यादा महंगाई जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए। तो इस महंगाई के इस टारगेट को फुलफिल करने का काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है मॉनेटरी इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने का, कि महंगाई भी कंट्रोल रहे, 4±2% का टारगेट, उस टारगेट को फुलफिल करने का काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है, गवर्नर हेड होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, 6 मेंबर होते हैं टोटल इसके अंदर। ठीक है, ये कैसे कंट्रोल करती है, अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, तो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ये महंगाई को कंट्रोल करती है। जैसे रेपो रेट जो है, रेपो रेट का मतलब होता है कि जिस रेट पे RBI बैंक्स को पैसे लोन पे देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। कम अगेन, रेपो रेट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को पैसे लोन पे देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। फिर बैंक्स आगे लोन पे देते हैं इंडिविजुअल पर्सन को, ठीक है, तो इस रेपो रेट को बढ़ा घटा के कम या ज्यादा करके अगर RBI बैंक्स को सस्ते रेट पे देगा तो वो भी आगे सस्ते रेट में देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बाजार में पैसा ज्यादा आ जाएगा, अगर मनी फ्लो ज्यादा हो जाएगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, तो RBI जब ऐसा होता है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है, महंगाई बढ़ गई है, तो RBI क्या करता है, इस रेपो रेट को बढ़ा देता है। इस रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा, बैंक RBI से कम पैसा लेंगे और फिर बैंक भी रेट को बढ़ा देते हैं इंटरेस्ट रेट को, तो फिर लोग RBI बैंकों से कम पैसा लेते हैं तो लोगों के पास पैसा कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक साइकिल चलता है, इसको कभी इकोनॉमिक्स के लेक्चर में हम समझेंगे डिटेल में। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमें यह ध्यान रखना है, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है रेपो रेट के थ्रू। ठीक है, रेपो रेट एक मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, और भी बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है अगर आप पढ़ना चाहो, जैसे CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट है, देन उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, बैंक रेट है। हम सब एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये समझाएंगे सब क्या होते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो तो हो गई हमारी, रिवर्स रेपो है एक, तो हो गई रेपो रेट, होता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट।
ठीक है। और एक होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओज। ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो महंगाई को कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इन पे हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और बताएंगे ये होते क्या है। अगर आप पढ़ पाओ तो आप इन सबको पढ़ लो। अभी हमने इस न्यूज में पढ़ा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आरबीआई के आर्टिकल 1934 से अपनी पावर ड्रॉ करती है। 6 मेंबर होते हैं। गवर्नर इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड होता है। काम क्या करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो इंडियन गवर्नमेंट को इनका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का टारगेट है 4 ± 2% की इन्फ्लेशन होनी चाहिए, तो उस इन्फ्लेशन को उस कंट्रोल में रखने के लिए रेपो रेट को घटाती बढ़ाती है। ठीक है, तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है ऑपरेशन दोस्त से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है सीरिया और टर्की। टर्की और सीरिया में बहुत सारा, बहुत डिवेस्टेटिंग, बहुत तबाही मचाने वाला अभी एक अर्थक्वेक आया था, तो उस अर्थक्वेक में हेल्प करने के लिए हम इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। सिर्फ आपको ये इतना ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, जो अर्थक्वेक आया है टर्की और सीरिया में, ठीक है, वहाँ पे एक कैस्टल है जो डैमेज हो गया है, गाजनटिप कैस्टल। तो ये बहुत पुराना कैस्टल था, महल था, जो कुछ जो डैमेज हुआ है बुरी तरह से उस अर्थक्वेक की वजह से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये गाजनटिप कैस्टल जो है ये कहाँ पे है, तो ये तुर्की और सीरिया की बॉर्डर पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेनली जो है ये तुर्की के अंदर आता है। ठीक है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखिए, ऑपरेशन दोस्त और गाजनटिप कैस्टल जो है जो डैमेज हुआ है वो कहाँ पे है, वो तुर्की में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी फोन पे से रिलेटेड। फोन पे ने क्या किया है कि जो हम यूपीआई यूज करते हैं, जो पेमेंट यूज करते हैं, अब हम उसको एब्रोड में भी यूज कर सकते हैं। रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन फिनटेक। फिनटेक मतलब फाइनेंस से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से मिला के एक वर्ड बना गया है फिनटेक। ठीक है, तो फिनटेक कंपनी है टू इनेबल पेमेंट अब्रोड। तो अब्रोड से भी ये पेमेंट ली जा सकती है हमारा यूपीआई यूज करके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूज करके। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो तो याद रखने की जरूरत नहीं है, हालांकि यूएई है, सिंगापुर है, नेपाल है, भूटान, मॉरिशियस, यहाँ पे लोकल क्यूआर कोड यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो फोन पे से। तो फोन पे पहला फिनटेक कंपनी बन गया है जिसने एब्रोड में यूपीआई जो है वो उसको अवेलेबल करवा दिया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज है कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी से रिलेटेड। तो आपसे पूछा जा सकता है ये कार्ट थेरेपी जो है किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक थेरेपी है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी और हमें डिटेल पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा कि ये कार्ट सेल थेरेपी है, किस चीज से रिलेटेड है, तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी क्वासी क्रिस्टल से रिलेटेड। तो पूछ लेंगे कि क्वासी क्रिस्टल, नाम से तो बताया जाए कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो ये कहाँ पे मिला ही आपसे पूछा जा सकता है। तो नेबार्स्का सैंड हिल्स है यूएसए में, वहाँ पे इसको ये पाया गया, मिला है अभी रिसेंटली। तो नाम ध्यान रखना है और कहाँ पे ये मिला है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी नाइजीरिया से। नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। रिसेंटली अनाउंस डीमोनेटाइजेशन, तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी अफ्रीकन कंट्री है जिसने अभी डीमोनेटाइजेशन किया था, तो वो है नाइजीरिया। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है हम पहले पढ़ भी चुके हैं, इंडिया में भी हुआ था। ठीक है, 8 नवंबर 2016 को हुआ था इंडिया में डीमोनेटाइजेशन, कि कुछ नोट्स हैं जैसे 500 और 1000 के नोट्स जो थे वो मार्केट से वापस ले लिए गए थे और नए नोट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, वो होता है डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन के साथ साथ आपको रीमोनेटाइजेशन भी पढ़ना है कि रीमोनेटाइजेशन क्या होता है, ये आपको खुद पढ़ना है रीमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो नाइजीरिया में भी डीमोनेटाइजेशन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस लिए किया है ये चीज़ें, टेररिस्ट फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए की जाती हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इंडिया में जो एक्ट है उसको हम बोलते हैं PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में ये बना था। तो ये एक्ट आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग जो की जाती है उसके लिए एक एक्ट है PMLA एक्ट 2002, और नाइजीरिया ने अभी डीमोनेटाइजेशन की है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी मीरा से रिलेटेड। ये मीरा क्या है, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस टू प्रमोट द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स। ठीक है, इंडिया में एज यू ऑल नो कि यहाँ हमारे यहाँ पे प्रोटीन का मेनली सोर्स जो यूज किया जाता है वो हम मिलेट को यूज करते हैं प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो मिलेट्स का कंजम्पशन इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ठीक है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है मिलेट्स का, प्रोडक्शन भी लार्जेस्ट होता है, और इंडिया में MP में होता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव है मीरा इनिशिएटिव, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, किस चीज से रिलेटेड, मिलेट से रिलेटेड है ये। ठीक है, अब सेम चीज में आप यहीं पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2023 को यूनाइटेड नेशन जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहा है। तो आपको ध्यान रखना है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन ने इसको सेलिब्रेट करा है इंडिया की रिक्वेस्ट पे। और ऐसा ही मिलेट से रिलेटेड हमने एक और इनिशिएटिव पढ़ा था जिसका नाम था महारिषि। ठीक है, महारिषि जो G20 समिट में हुआ था। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो महारिषि और मीरा ये दोनों मिलेट से रिलेटेड इनिशिएटिव हैं, दोनों इंडिया के इनिशिएटिव हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी तर्कस एक्सरसाइज से रिलेटेड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा करंट अफेयर में थी तो हम पढ़ लेते हैं कि तर्कस एक्सरसाइज जो है ज्वाइंट बाइलेटरल एक्सरसाइज हुई है इंडियन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में और US ऑपरेशन फोर्सेज के, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज के बीच में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी फॉर एवर केमिकल से रिलेटेड है। ठीक है,
तो फॉर एवर एज द नेम सजेस्ट कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स कोल्ड पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस दैट आर हाईली परसिस्टेंट इन द एनवायरनमेंट एंड रेजिस्ट डिग्रेडेशन. डिग्रेड नहीं होते हैं इतने इजिली, ठीक है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ए न्यू स्टडी लेड बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फाउंड हाई लेवल ऑफ फोर एवर केमिकल इन द आइस अराउंड नॉर्वे स्वालबार्ड. तो नॉर्वे में स्वालबार्ड के चारों तरफ ये केमिकल मिला है. अब ऐसा क्या है नॉर्वे स्वालबार्ड में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे वर्ल्ड्स सीड बैंक है, वर्ल्ड्स सीड बैंक, ठीक है. वर्ल्ड सीड बैंक क्या है? यही माना जा रहा है कि एक दिन ऐसा डूम्ड डे आएगा जिस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा. तो तब सारे की सारी जितनी भी हमारी फ्लोरा एंड फौना है वो सब खत्म हो जाएंगी. तो उसके लिए जितने भी उनके सीड्स हैं उनको फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है नॉर्वे के स्वालबार्ड में. तो इसलिए वहाँ पे उसको बोलते हैं वर्ल्ड सीड बैंक है. वहाँ पे जितने भी सीड है वो वहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखे जा रहे हैं, जिस भी वैरायटी के सीड हो, ठीक है. तो उसके चारों तरफ ये फॉर एवर केमिकल मिला है. नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, ठीक है. ऐसा ही इंडिया का भी सीड बैंक है. तो इंडिया जो सीड बैंक है वो है लद्दाख में. लद्दाख में कहाँ पे है इंडिया का सीड बैंक? चांगला. चांगला नाम की एक जगह है लद्दाख में, वहाँ पे इंडिया का सीड बैंक है. इंडिया अपना सीड बैंक अलग अलग बना रहा है और एक वर्ल्ड का सीड बैंक है और वो अलग है नॉर्वे में स्वालबार्ड में. ये आपको ध्यान रखना है और वहाँ पे फोर एवर केमिकल मिला है, ठीक है. तो ये फोर एवर केमिकल से रिलेटेड न्यूज है जो आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं. नेक्स्ट न्यूज है हमारी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक प्रिडिक्शन दिया, फोरकास्ट किया है आगे के लिए. एशिया विल यूज हाफ ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी बाय 2025, ठीक है. तो ये तो नहीं पूछेगा एग्जामिनर, तो पूछेगा क्या? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, ठीक है. और ये हमने एक OECD पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो OECD के फ्रेमवर्क के अंदर में काम करता है ये. OECD के फ्रेमवर्क के अंडर में काम करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है. 1973 में एक ऑयल क्राइसिस हुई थी बहुत ज़्यादा, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, 1973 का ऑयल क्राइसिस. उस ऑयल क्राइसिस के बाद ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाया गया था. तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर पेरिस में OECD के फ्रेमवर्क के अंडर में काम करता है या बनाया गया था 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद. तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है. बाकी न्यूज में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए एजेंसी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है मालडोवियन प्राइम मिनिस्टर नतालिया गवरिलिता, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया. ये अपनी अपनी जो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है उन्होंने छोड़ दी है. क्यों छोड़ी है? ड्यू टू लैक ऑफ द सपोर्ट इन द कंट्री, ठीक है. तो आपको बस इतना ध्यान रखना है मालडोवा जो है ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है. कहाँ पे है? यूरोप के अंदर, ठीक है. तो ये एक यूरोपियन कंट्री है, लैंडलॉक्ड है, जिसके प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेप डाउन कर दिया है ड्यू टू साइटिंग रीजन उन्होंने बताया है लैक ऑफ द सपोर्ट इन द कंट्री, ठीक है. तो इतना आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट न्यूज में है हमारे पास व्हाट्सएप. व्हाट्सएप क्यों न्यूज में है? क्योंकि व्हाट्सएप को मोस्ट असेसेबल ऐप बताया गया है. किसके लिए? फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी. जो PWD पर्सन है उनके लिए सबसे असेसेबल ऐप जो है वो है व्हाट्सएप, ठीक है. तो ये इतना आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं. नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिलेटेड फॉर्मूला ई चैंपियनशिप से. सो पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चैंपियनशिप रेस हो रही है इंडिया में. हैदराबाद सिटी होस्ट इंडिया फर्स्ट एवर फॉर्मूला ई रेस हैदराबाद ई प्रिक्स एट द हैदराबाद स्टेट सर्किट. तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है. ऑन द बैंक ऑफ हुसैन सागर लेक. तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है हुसैन सागर लेक कहाँ पे है? हैदराबाद में है, ठीक है. वहाँ पे इंडिया पहली बार फॉर्मूला ई रेस इलेक्ट्रॉनिक रेस को होस्ट कर रहा है. तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट न्यूज है हमारी एक वेटरन जर्नलिस्ट है ABK प्रसाद, इनको राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड मिला है, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. दूसरा यहाँ पे जब ये न्यूज हम पढ़ रहे हैं तो एक टर्म आ रही है ऑफिशियल लैंग्वेज. तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे 8th शेड्यूल में है. 8th शेड्यूल में हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है. कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है. अभी जिसको नहीं पता 8th शेड्यूल क्या है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 395 प्लस आर्टिकल्स हैं. अभी तो 450 के अराउंड हो गए हैं टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है. जो आर्टिकल्स क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? सीरियल नंबर 1, 2, 3 पे क्या लिखा गया है वो आर्टिकल है. तो कुछ सर्टेन आर्टिकल्स को क्लब करके उनके शेड्यूल बनाए गए हैं. तो ऐसे करके तो टोटल 12 शेड्यूल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है. तो ये 12 शेड्यूल हैं, उनमें से जो 8th शेड्यूल है उसमें हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि इंडिया की 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है. और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हिंदी जो है वो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है. तो इससे रिलेटेड एक चीज़ और भी पढ़ सकते हो, क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है. वो आप लोग खुद पढ़ लो कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी इंडिया में, ठीक है, और क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है. तो ये न्यूज़ थी हमारी एक अवार्ड से रिलेटेड, ठीक है. हालांकि मैंने इसको कवर इसलिए किया है कि मुझे ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ाना था, ये अवार्ड तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है. ये न्यूज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं राजस्थान के लिए, जो नेशनल पार्क और भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी की, तो इसको स्किप करते हैं. नेक्स्ट न्यूज है हमारी गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ठीक है. तो यहाँ पे हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने क्या किया है? अपॉइंट किया है 12 states और UTs में गवर्नर्स को. तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमें ये पढ़ना है कि गवर्नर्स का जो अपॉइंटमेंट है, गवर्नर्स को जो अपॉइंट किया जाता है, तो वो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है,
ठीक है। और गवर्नर्स को किसी भी टाइम उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, उनका कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, फिक्स्ड टेन्योर, ठीक है। तो ये चीज, दो चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक तो फिक्स्ड टेन्योर नहीं है और गवर्नर को किसी भी टाइम उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज में, तो कौन से स्टेट में कौन सा गवर्नर है ये तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली पीएससी, स्टेट पीएससी और यूपीएससी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में है होलसेल प्राइस इंडेक्स। एक जनवरी में हम लोगों ने या फरवरी के स्टार्टिंग में हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसा ही है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो एक मिनिस्ट्री है हमारे यहाँ पे, मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उसके अंदर में एक डिपार्टमेंट आता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, वो देता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इंडिया में, ये कौन देता है, तो हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसके अंडर में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के लिए, DPIT, ठीक है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के लिए एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, वो देता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आपको ये दोनों के दोनों इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन देता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन देता है, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट देता है, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते, बाकी वो घटा है बड़ा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल महाराष्ट्र में होता है मुंबई में, ठीक है। इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफी है। ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी, तो आपको ध्यान रखना है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल जो है वो महाराष्ट्र में होता है, इतना काफी है। नेक्स्ट है हमारा न्यूज में वुल्फ प्राइज, तो वुल्फ प्राइज में भी हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि वुल्फ प्राइज जो है वो इसराइल देता है, ठीक है। इसराइल के बारे में हम दो तीन चीजें देखेंगे। पहला तो ये देखेंगे इसराइल की पहले जो कैपिटल थी वो थी टल अवीव, टल अवीव जो अर्लियर कैपिटल थी इसराइल की, अभी इसराइल की कैपिटल है वेस्ट जेरूसलम, ठीक है। और यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी ने पूछा था जो टू स्टेट थ्योरी वो किससे रिलेटेड है, तो वो है इसराइल और पैलेस्टाइन इश्यू से रिलेटेड, इसराइल एंड पैलेस्टाइन, तो इसराइल और पैलेस्टाइन ये दो स्टेट से रिलेटेड है टू स्टेट थ्योरी। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2017 या 2018 में टू स्टेट थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो इसराइल और पैलेस्टाइन से रिलेटेड है, उसमें एक ऑप्शन इंडिया और पाकिस्तान भी था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है टू स्टेट थ्योरी इसराइल और पैलेस्टाइन से रिलेटेड है। अब पैलेस्टाइन का ही एक पार्ट है गाजा स्ट्रिप, जो अभी फिलहाल न्यूज में है गाजा स्ट्रिप, ठीक है। ये गाजा स्ट्रिप पैलेस्टाइन का एक पार्ट है, इसराइल कंट्री है बेसिकली जो पैलेस्टाइन और गाजा स्ट्रिप के बीच में पड़ती है, तो ये गाजा स्ट्रिप और इसराइल के बीच में अभी एक कन्फ्लिक्ट चला हुआ है, ठीक है। तो गाजा स्ट्रिप का आपको ये ध्यान रखना है कि गाजा स्ट्रिप अपनी बॉर्डर शेयर करता है मेडिटेरेनियन सी के साथ, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी फेमस है सिट्रस फ्रूट्स के प्रोडक्शन के लिए, और जहाँ सिट्रस फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है ऑब्वियसली वहाँ पे वाइन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मेडिटेरेनियन सी फेमस है। मेडिटेरेनियन सी में जो आपको अपनी तरफ से ऐड करना है वो ये ऐड करना है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो अपनी बाउंड्री मेडिटेरेनियन सी के साथ शेयर करती हैं। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन सी ऐसी कंट्री हैं जो इसराइल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, और कौन कौन सी ऐसी कंट्री हैं जो पैलेस्टाइन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। ये तीनों आपको खुद से करनी है, ठीक है। तो ये था इसराइल के बारे में, वुल्फ प्राइज मिला है, वुल्फ प्राइज देता है इसराइल हर साल, किसको मिला है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है वुल्फ प्राइज कौन देता है, इसराइल देता है, इजराइल से रिलेटेड ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। एक वहां पे इजराइल और जॉर्डन इसके बॉर्डर पे डेड सी भी है, ठीक है। तो ये डेड सी के बारे में पढ़ सकते हो, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे है ये, जॉर्डन एज यू ऑल नो एक कंट्री का नाम है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज है हमारी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड न्यूज में आपको सिर्फ एक ही चीज पढ़ना है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक 15th एनिवर्सरी मनाई है, किस चीज की, स्टोलन जनरेशन अपोलॉजी, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है ये स्टोलन जनरेशन अपोलॉजी है ये किस कंट्री से रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, क्यों है क्या है उसके फैक्ट में हमें जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप इतना ध्यान रखना कि ये जो अपोलॉजी है ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड अगर आप कुछ और ध्यान रखना चाहो तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं लग बहुत पता होता, उनको लगता है सिडनी होगी, ठीक है, या मेलबर्न होगी, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ठीक है। दूसरा आपको इसके ये ध्यान रखना, इसके नॉर्थ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक आइलैंड कंट्री है, आइलैंड कंट्री का मतलब ये होता है कि चारों तरफ पानी है, ठीक है, और बीच में लैंड है उसको बोलते हैं आइलैंड, तो आइलैंड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ग्रेट बैरियर रीफ। अब ये रीफ क्या होते हैं और ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, तो ये हम कभी किसी और इकोलॉजी के लेक्चर में पढ़ेंगे, आप चाहो तो सर्च आउट कर लो कि ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या है। देखिए इतना ध्यान रखना कि पोजीशन जो है ग्रेट बैरियर रीफ की वो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है, और ऑस्ट्रेलिया में एक विक्टोरिया डेजर्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, विक्टोरिया डेजर्ट पूछ सकते हैं कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो ये चीज आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट न्यूज है खान पहाड़ी ऐप से रिलेटेड। खान पहाड़ी जो है वो कोल माइंस का कोल मिनिस्ट्री का ऐप है, जहाँ पे कोल माइंस को सर्वेलेंस और मैनेजमेंट के लिए हम इस ऐप को यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे माइंस से रिलेटेड यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो उसने पूछा था मिनरल से रिलेटेड। तो मिनरल दो टाइप के होते हैं, मेजर मिनरल और माइनर मिनरल, मेजर मिनरल और माइक्रो मिनरल, ठीक है। तो ये मेजर और माइक्रो मिनरल क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है खुद, ठीक है। इस पर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोर रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। तो अगेन ये सिर्फ टर्म आपको ध्यान रखनी है, सोर रिवॉल्यूशन किस कंट्री से रिलेटेड है, अफगानिस्तान से रिलेटेड है, सिर्फ इतना ध्यान रखना, वो सफिशियंट है, उसकी ज्यादा हिस्ट्री पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब मैं ये बोलता हूँ ज्यादा हिस्ट्री पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको अपने सोर्सेज को लिमिटेड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना ही डीप में जाके पढ़ सकते हो। तो हमें अपने सोर्स को लिमिटेड रखना है, बार बार रिवाइज करना है, तो इसलिए कुछ ही चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो आपको पढ़ना है सोर रिवॉल्यूशन जो है वो अफगानिस्तान से रिलेटेड है, अफगानिस्तान की कैपिटल का नाम है काबुल, ठीक है। और अफगानिस्तान के साथ इंडिया अपनी स्मॉलेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, स्मॉलेस्ट बाउंड्री, किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ हम अपनी जो भी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उसमें स्मॉलेस्ट बाउंड्री इंडिया की जो है वो अफगानिस्तान के साथ है, 72 किलोमीटर के अराउंड की। हालांकि अभी वो नहीं है, अभी ये जो बाउंड्री है ये पीओके में आती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ठीक है। इस बाउंड्री लाइन का एक नाम है जिसको बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट लाइन। तो ड्यूरेंट लाइन अगर आपसे पूछ ली जाए कि कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है, अगर ऑप्शन में इंडिया एंड अफगानिस्तान है, ठीक है, तो ये आपको लगाना है ऑप्शन इंडिया और अफगानिस्तान। अगर इंडिया अफगानिस्तान नहीं है, तो क्योंकि ये पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो फिर ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है। कौन सी लाइन? ड्यूरेंट लाइन। जैसे हमने पहले एक मैकमोहन लाइन पढ़ी थी शायद, ठीक है, तो ड्यूरेंट लाइन ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज में है आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 क्यों रिलेटेड, किसी से रिलेटेड है, सिर्फ इतना हमें पता होना चाहिए, डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड है, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड है आर्टिकल 93। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना कि हमारा एक आर्टिकल 108 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 108। ये आर्टिकल जो रिलेटेड है ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज, मतलब लोकसभा और राज्यसभा जो हमारे दो हाउसेज हैं उनकी ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड है आर्टिकल 108। तो इस ज्वाइंट सिटिंग को जो हेड करता है वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑफ लोकसभा। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेजेंट नहीं है तो उसको इसको हाउस को लीड करेंगे, वो होंगे डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में एक ये ध्यान रखनी है कि ज्वाइंट सिटिंग को वो प्रिसाइड करते हैं या हेड करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। और डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो हमारा 93 है, अदरवाइज तो हम इसको नहीं पढ़ते, लेकिन न्यूज में है डिप्टी स्पीकर, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। और ये जो ज्वाइंट सिटिंग का कंसेप्ट है ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीजें आपको सारी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज हमारे रिलेटेड है लिटे से, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ये लिटे ग्रुप जो है ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है श्रीलंका की, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है। और इसके जो हेड थे वो प्रभाकरन, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, ठीक है, उनकी डेथ में इस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था लिटे का, ये भी ध्यान रखना है। और राजीव गांधी इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, आपको ये ध्यान रखना है। राजीव गांधी के टाइम पे ही हम लोगों ने कंप्यूटर रिवॉल्यूशन किया था, कंप्यूटर रिवॉल्यूशन मतलब कंप्यूटर्स को जो इंडिया में लेके आने वाले थे वो राजीव गांधी थे, ठीक है, और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बीमारू से रिलेटेड। बीमारू एक टर्म है जो पहले यूज किया जाता था कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए, कौन से? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। क्या रीज़न था? क्योंकि ये बहुत ही पिछड़े हुए स्टेट्स थे इकोनॉमिक ग्रोथ में भी और सोशल में भी, एजुकेशन में भी, हेल्थ केयर में भी, हर एक जगह पे ये स्टेट पिछड़े हुए थे। तो ये टर्म थी बीमारू, ये एक डेमोग्राफर थे आशीष बोस, उन्होंने दी थी, ठीक है। तो बीमारू टर्म किन स्टेट्स के लिए यूज होता है वो स्टेट्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, और ये किसने दी थी वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही एक टर्म थी हिंदू ग्रोथ रेट टर्म जो दी थी वो दी थी राजकृष्णा ने, राजकृष्णा, ठीक है। हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब होता है 2 से 2.5% की ग्रोथ। इंडिया जो है 1950s, 1960s, 1970s में लगभग इसी ग्रोथ रेट से बढ़ रहा था, ठीक है। तो इस ग्रोथ रेट का नाम दे दिया था, एक इकोनॉमिस्ट थे राजकृष्णा, ठीक है, कृष्णा, उन्होंने हिंदू ग्रोथ रेट नाम दे दिया था इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेशनल प्रोडक्टिविटी डे को देता है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एक ऑटोनोमस गवर्नमेंट बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में आती है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इस न्यूज में काम की है, जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है जेनुस वन सैटेलाइट। तो पूछा जा सकता है ये जेनुस वन सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है, तो ये हमारे इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसरो ने इसको लॉन्च किया है, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाउड बिल्ट डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है ये, इतना आपको ध्यान रखना है, और इसको इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है। और इसरो की जो कमर्शियल विंग है, कमर्शियल विंग उसका नाम आपको ध्यान रखना है, इसरो की कमर्शियल विंग का नाम है अंतरिक्ष,
अंतरिक्ष इज द कमर्शियल विंग ऑफ इसरो, और इसरो बना था 1969 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारी न्यूज है संकुला टनल से। तो ये संकुला टनल के बारे में आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहली तो ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी लद्दाख में, तो पूछा जा सकता है संकुला टनल कहाँ है, तो लद्दाख में है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इसको कौन बना रहा है, बीआरओ बना रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं बीआरओ के बारे में कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, ठीक है। और एक आपको ध्यान रखना है ये वर्ल्ड की हाइएस्ट टनल होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दो तीन चीजें आपको संकुला टनल के बारे में ध्यान रखनी है जो न्यूज में थी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज में इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ये जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, पहला तो यही ऑर्गेनाइजेशन आपको ध्यान रखनी है कि इसका हेडक्वार्टर किंगस्टन जमाइका में है, ठीक है। ये किंगस्टन जमाइका कहाँ पे है, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे है ये, बहुत सारे आइलैंड कंट्री, ठीक है, वेस्ट इंडीज जिनको बेसिकली बोलते हैं, तो वहाँ पे है ये किंगस्टन जमाइका में इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का हेडक्वार्टर, ठीक है। ये जो एस्टैब्लिश की गई थी, इट इज ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अलग अलग गवर्नमेंट्स ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। दैट वाज एस्टैब्लिश अंडर द 1982 यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। जो लॉ ऑफ द सीज है, अलग अलग सीज के लिए लॉज बनाए गए हैं इंटरनेशनल अथॉरिटीज के द्वारा, उसके अंडर में ये इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर किंगस्टन जमाइका में है, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। अभी इस अथॉरिटी ने रिसेंटली बोला है कि इंडियन ओशियन में इतने निकल और कोबाल्ट के रिजर्व हैं जो इंडिया को एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे निकल और कोबाल्ट के अभी सेल्फ सफिशिएंट जो भंडार है जो वो मिले हैं इंडियन ओशियन में, ये बात इस अथॉरिटी ने बताई है। तो इससे रिलेटेड इंडिया का एक मिशन है, इंडिया का मिशन है डीप ओशियन मिशन, डीप ओशियन मिशन। ऐसे ही मिनरल्स को फाइंड आउट करने के लिए इंडिया ने एक मिशन चलाया है, उस मिशन का नाम है डीप ओशियन मिशन। ये डीप ओशियन मिशन मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये किया जाएगा समुद्र यान के द्वारा, समुद्र यान, ठीक है। ये समुद्र यान हम लोगों ने जनवरी करंट अफेयर में भी पढ़ा था, ठीक है। समुद्र यान के थ्रू इंडिया अपने कुछ रिसर्चर्स को नीचे भेजेगा और डीप सी में, वहां पे वो मिनरल्स को एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट न्यूज में है कवच 2023। तो कवच 2023 का आपको बारे में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी के चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं, जो साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए है ये। किससे रिलेटेड है, तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इन नेशनल लेवल हैकथॉन दैट वाज लॉन्च टू फाइंड इनोवेटिव आइडियाज एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस टू एड्रेस द साइबर सिक्योरिटी चैलेंज। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, ये काफी है करंट अफेयर के हिसाब से कि हमें ये ध्यान हो कि कवच 23 क्या है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज में है ई संजीवनी। ई संजीवनी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये एक तरह की ऑनलाइन ओपीडी है, आउट पेशेंट डॉक्टर्स है कंसल्टेशन के लिए, ओपीडी है ई संजीवनी के थ्रू हम बुक कर सकते हैं किसी भी डॉक्टर को कहीं से भी इंडिया में, जहां से टेली कंसल्टेशन सर्विस है एक तरह की, जहां पे हम दूर बैठे किसी डॉक्टर से टेली कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव ऑनलाइन आउट पेशेंट डॉक्टर्स के लिए है, ठीक है। मतलब कोई भी पर्सन ई संजीवनी के थ्रू किसी भी डॉक्टर से कनेक्ट कर सकता है इंडिया में, ठीक है, अपनी हेल्थ चेकअप वगैरह के लिए, ठीक है। इसको डेवलप किया था सीडेक ने, आपको ये ध्यान रखना है। सीडेक जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी की, जो हमारी मिटी की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी, उसकी एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है जिसका नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक बोलते हैं। सीडेक ने ही ई संजीवनी ऐप डेवलप की थी, अभी नहीं की, ये 2019 में लॉन्च की थी, अभी न्यूज में है तो इसलिए हम इसको दोबारा कवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज हमारी S3 रॉकेट से रिलेटेड है। S3 रॉकेट के बारे में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, ये जापान का है S3 रॉकेट, बस इतना ही काफी है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज है हमारी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से रिलेटेड। ये 1923 में आए थे, कॉलोनियल इरा की लेजिस्लेशन है, एक्ट है, ठीक है, जो कॉम्बैट एस्पोनेज एक्टिविटी, जो जासूसी की एक्टिविटी है, उनको रोकने के लिए होता है। तो ये है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है टू कॉम्बैट एस्पोनेज एक्टिविटीज। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज है हमारी गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड से रिलेटेड, ठीक है। आयरलैंड एक यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है। आयरलैंड ने अभी टर्मिनेट किया है क्या, इमिग्रेंट इन्वेस्टर्स प्रोग्राम। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ये इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम किस कंट्री का था, तो वो आयरलैंड का है, आपको ध्यान रखना है। आयरलैंड से हम लोगों ने DPSP लिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, वो हम लोगों ने आयरलैंड से लिए हुए हैं। और एक हम लोगों का जो हम मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक होम रूल लीग आता है, होम रूल लीग, ठीक है, जिसको तिलक और एनी बेसेंट ने लीड किया था। तो ये होम रूल लीग भी हम लोगों ने आयरलैंड से लिया था, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी हम लोगों ने आयरलैंड से ही लिए हुए। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। और इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम अगर पूछ ले एग्जामिनर कौन सी कंट्री का है, तो वो आयरलैंड का है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं,
नेक्स्ट न्यूज हमारी आरबीआई से रिलेटेड है। आरबीआई ने हरबिंजर 2023 को अनाउंस किया है। ये ग्लोबल हैकाथॉन है, किस चीज़ के लिए? इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, मतलब डिजिटल सर्विसेज सबको मिले उसके लिए ये हैकाथॉन है, जिसका नाम है हरबिंजर 2023। ठीक है, टू मेक, किस लिए लॉन्च किया गया है? टू मेक डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एसेसेबल टू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है वो लोग फाइनेंशियल सर्विसेज को ईजिली यूज कर सकें, उसकी उसके लिए नई नई इनोवेशन की जाएंगी। तो इंक्लूसिव डिजिटल सर्विस के अंडर में ये हरबिंजर 2023 हैकाथॉन है, जिसको आरबीआई ने भी चलाया है। ठीक है, तो ये थे हमारे फेब 2023 के करंट अफेयर। ठीक है, तो इससे पहले भी एक पार्ट आ चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मार्च 2023 के करंट अफेयर कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।